फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवरात्रि के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि शिवरात्रि आ रही है 11 मार्च को, और आज का दिन जो है भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन पर घर पर ही आप कैसे पूजा कर सकते हैं, ठाकुर जी का क्या रूटीन होगा, और साथ ही अगर आज के दिन यदि आप अपने लड्डू गोपाल जी को, युगल जोड़ी को शिव पार्वती के रूप में उनका श्रृंगार करना चाहते हैं, तो श्रृंगार में कुछ यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे त्रिशूल, चंद्रमा और जो सर्प है, ये सारी चीज़ें आप घर पर ही कैसे आसानी से बना सकते हैं ताकि आप इजीली उनका जो श्रृंगार है ठाकुर जी का, वो शिव जी के रूप में कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दिन शिव जी का अभिषेक जो है वो कराया जाता है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो अच्छी बात है, अगर शिव परिवार है तो वह भी आप पूजा में ले सकते हैं। पंचामृत का सामान जो है, देसी घी, शहद, शक्कर, कच्चा दूध, गंगा जल, तो ये सारी चीज़ें आप मिलाकर जो है वो अभिषेक कर सकते हैं, या तो अलग अलग चीज़ों से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। बाकी जो पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि रोली, चावल, जनेऊ, धूप, कपूर, चंदन का लेप, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, दूबा, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। भोग के लिए आप बेर, केले या बेल का जो भोग है वो शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। सभी को आपको कराना है पंचामृत से अभिषेक, और अभिषेक के बाद आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं शिव जी को, चंदन से तिलक लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी और युगल जोड़ी का भी आप पंचामृत से स्नान कराइए, उनका भी सुंदर सा श्रृंगार करें, और शिव परिवार के साथ ही हमारे जो युगल जोड़ी हैं, गोपाल जी हैं, उन्हें ज़रूर से शामिल करें। जैसे आज के दिन हमारे जो भगवान शिव जी हैं उनका विवाह होता है, तो विवाह के इस अवसर पर हमारे जो ठाकुर जी हैं, युगल जोड़ी हैं, सभी को उनके विवाह के अवसर पर सुंदर सा श्रृंगार करके उन्हें विवाह में शामिल करें। कई लोग इस दिन लड्डू गोपाल जी को शिव जी और राधा रानी को माँ पार्वती के रूप में उनका श्रृंगार करते हैं, तो इसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी और माँ पार्वती जी का जो श्रृंगार है वो आप सभी के साथ शेयर करूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पूजा के बाद आप जो शिव जी की आरती है वो करें, युगल जोड़ी कान्हा जी की आरती करें। अभिषेक का जो, जब आप अभिषेक करते हैं उस टाइम ओम नमः शिवाय का जाप करें, और महाशिवरात्रि के दिन मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व होता है। आप शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि श्री कृष्ण लीला देखने के लिए महादेव गोपी बन के भी महारास में शामिल हुए थे, तो आप अगर यदि चाहते हैं तो अपने कान्हा जी को गोपी स्वरूप में भी उनका श्रृंगार कर सकते हैं और उनके विवाह में उन्हें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि शिव जी जो हैं उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है, तो बिल्कुल ही साधारण रूप से की गई जो पूजा है वो प्रभु स्वीकार करते हैं। इस दिन आप घर पर जागरण या किसी विशेष पूजा का भी आयोजन कर सकते हैं, और कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन संपूर्ण रात्रि जागरण करने से महाशिवरात्रि का शुभ फल प्राप्त होता है। तो यही कुछ चीज़ें थी शिवरात्रि के बारे में, और जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल जी की जो भी दिनचर्या है आगे की, जैसे आप नॉर्मल डेज पे रखते हैं वैसे ही रख सकते हैं, और वैसे भी आज हमारे प्रभु जो शिव विवाह है उसमें शामिल होने वाले हैं, तो सभी के लिए आज का दिन जो है वो विशेष महत्व रखता है। चलिए जान लेते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो चीज़ें हैं श्रृंगार की, अगर आप जैसे कि मैंने बताया कान्हा जी को शिव जी का स्वरूप देना चाहते हैं, उनका शिव स्वरूप में श्रृंगार करना चाहते हैं, तो कैसे घर पर ही त्रिशूल, चंद्रमा और
सर्फ वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आप हैंडमेड बना सकते हैं, ताकि आप उनका श्रृंगार अच्छे से कर पाएँ। सभी लोगों के पास सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये जो शिमर शीट है वो ली है, तो यहाँ पर दो कलर की शीट मैंने ले ली है, और आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने जो त्रिशूल है वो ड्रॉ कर लिया है। तो इसे आप ऐसे एक शीट ले लीजिए, उस पर इस जैसे मैंने यहाँ पर त्रिशूल ड्रॉ किया है वैसे करके आप शीट को कट कर लें। बहुत ही आसानी से और बहुत ही साधारण चीज़ों से आप घर पर ही अपने गोपाल जी के लिए, अपने गोपाल जी के शिव स्वरूप श्रृंगार के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो घर पर बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है त्रिशूल का शेप मैंने यहाँ पे बना लिया है शीट पे, और बस अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से जो त्रिशूल है हमारा वो रेडी हुआ है। इस पर हम लगाएंगे डमरू, और डमरू को भी हम अच्छे से सजा लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन शीट में मैंने त्रिशूल रेडी किया है। ये जो रेड शिमर शीट है इसमें मैं अब डमरू शेप की ड्राइंग बनाकर उसे भी कट कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो हम डमरू रेडी करेंगे वो हम त्रिशूल पर ही लगा देंगे। तो बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स आप ये रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर बस अब मैं डमरू जो है उस शेप में ये शीट को कट कर रही हूँ, और बस इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और उसके बाद हम इसे करेंगे त्रिशूल पर स्टिक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है, और यहाँ पर जो इसके साइड्स हैं उस पर मैं ये वाइट पेपर लगा दूँगी, तो जैसे डमरू का एक्चुअल लुक होता है थोड़ा बहुत हम वैसा लुक दे देंगे इसे। तो यहाँ पर मैं गम का यूज़ कर रही हूँ इसे स्टिक करने के लिए, और जैसे डमरू पे जो डोर है वो बंधी होती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये वाई शेप में एक शीट का छोटा सा जो पीस है वो कट करके लगा दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छा सा कलर दे दिया है, और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा जो मोती है वो भी लगा दूँगी, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से त्रिशूल जो है हमारा वो रेडी हो चुका है। अब हम ऐसे ही बना लेते हैं शीट पे ड्रॉ करके चंद्रमा और सर्प। तो बहुत ही आसान विधि से हम ये बना रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और जैसे कि आप शिवरात्रि पर लड्डू गोपाल जी को शिव स्वरूप में उनका श्रृंगार करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। आपको चाहिए होगी बस उनकी पोशाक, और बाकी सारी एक्सेसरीज़ जो हैं वो आपके पास रेडी ही हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे कट कर रही हूँ, और एक बहुत ही प्यारा सा शेप जो है वो आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे रेड जो है वो जीभ का शेप देके इसे स्टिक कर दिया है सर्प पर भी। तो ये जो गोल आप देख रहे हैं, इस गोल आकार को आप गोपाल जी के गले पर पहना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी जो एक्सेसरीज़ हैं वो हमने रेडी कर ली हैं। आप देख ही सकते हैं फ्रेंड स्क्रीन पर कैसा लग रहा है, और ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यही था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में, फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।